हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं ग्रब के बारे में। तो जिन्होंने अपने सिस्टम में दो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया हुआ है और उनका ग्रब मेन्यू जो है वो काफ़ी जल्दी चला जाता है, जैसे 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, तो आप अगर उसको बढ़ाना चाहते हैं, इनक्रीज़ करना चाहते हैं आप अपने ग्रब मेन्यू के टाइम को, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी। सबसे पहले देख लेते हैं ग्रब मेन्यू होता क्या है, किस तरीके का दिखता है वो। तो लिखते हैं यहाँ पर गूगल पे ग्रब मेन्यू, तो कुछ इस तरीके का हमारा ग्रब मेन्यू दिखाई देता है। अभी ये ओपन हो रहा है, ये देखिए इस तरीके का ग्रब मेन्यू दिखाई देता है। तो इसका टाइम आउट सेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम आते हैं स्टार्ट बटन पे, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और अपना कमांड प्रॉम्प्ट रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। तो यहाँ पर एडमिन लिखा हुआ है, क्लिक करते हैं, यहाँ पर यस कर देंगे। अब ये देखिए हमारा कमांड प्रॉम्प्ट रन हो रहा है। यहाँ पर टाइप करेंगे डिस्क पार्ट, डिस्क पार्ट, और यहाँ पर टाइप करेंगे लिस्ट डिस्क, और उसके बाद लिस्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए VOL, तो लिस्ट वॉल्यूम ओपन हो गया। अब यहाँ पर इन्फो में आपको सर्च करना है, फाइंड करना है सिस्टम। तो मेरे केस में सिस्टम जो है वॉल्यूम 4 है, तो मैं यहाँ लिखूँगा सेलेक्ट के लिए सेल SEL वॉल सेलेक्ट वॉल्यूम 4, ठीक है। तो वॉल्यूम 4 इज सेलेक्टेड वॉल्यूम, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम करेंगे असाइन लेटर इक्वल पी, आप कुछ भी लेटर असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पी असाइन कर दिया है, आप देख सकते हैं डिस्क पार्ट सक्सेसफुली असाइंड द ड्राइव लेटर और माउंट पॉइंट, ओके। अब कर देंगे इसको एग्जिट। अब चलते हैं अपने पी जो मैंने असाइन किया था लेटर, वहाँ पर पी कॉलन लिखेंगे उसके लिए। यहाँ पर टाइप करेंगे DIR डायरेक्टरी चेक करने के लिए। तो ये देखिए EFI बूट डॉट डिस्क वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। तो CD EFI पर जाएंगे, चेंज डायरेक्टरी करेंगे, उसके बाद यहाँ पर DIR EFI के अंदर डायरेक्टरी चेक करेंगे। तो ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट बूट HP फोनिक्स OS, ठीक है, मैंने फोनिक्स OS को भी इंस्टॉल किया हुआ है। तो चलते हैं बूट के अंदर CD boot, अब यहाँ पर चेक करेंगे डायरेक्टरी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पर हमें जाना है ग्रब CFG, ठीक है, ग्रब डॉट CFG। तो यहाँ पर टाइप करेंगे ग्रब डॉट CFG, एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए एक फाइल ओपन होकर के आ गई है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ या बड़ा कर देता हूँ फॉन्ट साइज को, ताकि आपको दिखाई दे। मैं 28, ये देखिए सेट टाइम आउट 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड से मैं इसको 60 सेकेंड्स कर देता हूँ। और इसके बाद इसको क्या करना है, सिंपली इसको सेव कर देना है। बाकी आपको किसी चीज़ से आपको छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। सिंपली इसको सेव करने के बाद क्लोज कर देना है। और अब आप सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे तो आपको ग्रब मेन्यू में 60 सेकंड के लिए आपको मौका मिलेगा उसमें सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो वो 60 सेकंड के लिए शो होगा। और अगर गाइस आपका ग्रब मेन्यू नहीं शो करता है, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा आगे क्या करना है। अगर आपने फिनिक्स OS को इंस्टॉल किया हुआ है और विंडोज़ भी है आपके सिस्टम में, दोनों OS हैं, बट आपका ग्रब मेन्यू नहीं शो कर रहा है, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।